नमस्कार जी, मैं गाना गा रही हूँ पानी रे पानी, और मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। पानी रे पानी पिक्चर का नाम है, मुझे उन्होंने स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी स्टोरी है। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि राजस्थान में एक खटला होता ना, जैसे उसके ऊपर बच्चे को बिठाते हैं, उसको नहलाते हैं, नीचे टब रखते हैं, उसमें जो पानी होता है उसमें कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद वही पानी बाथरूम के लिए यूज करते हैं। तो बताइए कि पानी की जो कमी है, और आज हमारे यहाँ बहुत कमी है, मुंबई में भी बहुत कमी है पानी की। कोई कोई जगह पे 24 घंटा पानी आता है, कोई कोई जगह पे 24 घंटा आता नहीं है, और लोगों को इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगे हैं, पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा मुझे पता नहीं है। और यहाँ हमारे लिए इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं, सब जगह स्विमिंग पूल है, और लोगों को पानी नहीं है पीने के लिए। तो मुझे इनका विषय बहुत अच्छा लगा। गाना तो चलने वाला गाना है, दिल की झोपड़िया में लालटेन जलाई दे रहे, तो गाना बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसका विषय इतना अच्छा है कि मैंने, उन्होंने कहा आशा जी आप क्या करेंगी क्या लेंगे, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गाना गाऊंगी और मैं खुद मदद करना चाहती हूँ हर जगह जाके कि पानी की जो कमी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, सब जगह एक जैसा मिलना चाहिए। मैं भी घर में 20 मिनट पानी उबालती हूँ, उसके बिना पीने नहीं देती किसी को। और मैं क्या बोलूँ, अभी एक घंटा पानी आता है, उसमें पीने का पानी और सब पानी भरना पड़ता है। जब मुझे भी ऐसी तकलीफ है तो और लोगों को भी तकलीफ होगी जरूर, कि पानी की तकलीफ जो है इसको किस तरह हल किया जाएगा वो तो गवर्नमेंट ही जानती है, और उनको ही करना पड़ेगा। और मैं कैसे बताऊं कि हर जगह मैं देखती हूं, क्योंकि मैं इसी बम्बई में रहती हूं, हर जगह घूमती हूं। आप जैसे साधारण हैं वैसे मैं साधारण औरत हूं, मैं बाजार भी जाती हूं, घर भी देखती हूं, सब देखती हूं। तो मुझे पता है कि हालत बहुत खराब है। अभी अभी थोड़ी महंगाई कम हुई है, तो प्याज मुझे भी लाना मुश्किल था, 100 रुपए किलो था, तो इससे अच्छा एक मुर्गी आ जाती थी उसमें। तो 100 रुपए तो मैंने इसे ही कहा किसी से, मैंने कहा एक मुर्गी ले आओ, तो बोलते मुर्गी बनाने के लिए तो प्याज चाहिए ना, तो मैंने हाँ ये भी बात सही है। तो महंगाई तो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन पानी का जो प्रश्न है ये बहुत ही भयानक है। इसके लिए सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, सब लोगों को जाके बात करनी चाहिए, मिलके जब मिलते हैं लोग एक साथ तो कोई भी काम होता है। लेकिन हर आदमी सोचता है मेरे घर में तो पानी है, दूसरे का क्या होता है जाने दो। ये जब इंसान सोचता है तो कभी भी अच्छा नहीं होता है, एकता चाहिए।